Hey everyone, welcome. Today we will do this theorem of group theory. So in this theorem we have to prove cancellation law. So cancellation law mein kya hota hai? Do cheeze hame prove karni hai. First will be left cancellation and second will be right cancellation. Ab in dono mein hoga kya? That agar left side, okay, यहाँ पे थ्री कर देते हैं और यहाँ पे फोर. अगर लेफ्ट साइड दो एलिमेंट इक्वल हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं. दिस इज व्हाट द थ्योरम विल टेल. सो जैसे यहाँ पे किया, सो इट विल बी मे बी ए, दिस विल बी बी इज इक्वल टू, ये भी ए ही है और ये सी कोई एलिमेंट है. सो हम कुछ ऐसा लेके प्रूव करना स्टार्ट करेंगे. एंड सिमिलरली राइट कैंसिलेशन में बी डॉट ए इज इक्वल टू सी डॉट ए, कुछ ऐसा हो जाएगा राइट, बिकॉज राइट साइड से ये ए वाला एलिमेंट कैंसिल आउट होगा, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड से हुआ. ओके, सो लेट्स प्रूव इट. सो फॉर द प्रूविंग पार्ट हम लेट करते हैं दैट ए बी और सी, ये तीन एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप जी में, ठीक है. और ऐसा है दैट ए ऑपरेशन बी किसके इक्वल है, ए ऑपरेशन सी के, राइट. अब हमें क्या करना है कि इस ए को हमने कुछ करके हटाना है. अब सी एक बहुत फंडामेंटल चीज होती है दैट अगर तुम्हें किसी चीज को हटाना है, सो फॉर दैट अगर हम कहीं से उसका इनवर्स ले आए, सो वी कैन गेट द आंसर एज, जैसे b इज इक्वल टू सी करना है राइट. सो यहाँ पे इनवर्स a का इनवर्स ला सकते हैं. सो सी अगर a बिलोंग कर रहा है ग्रुप को, अगर a बिलोंग कर रहा है ग्रुप को, देन आई कैन से दैट a का इनवर्स भी बिलोंग करेगा ग्रुप को, राइट. बहुत बेसिक ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है दैट अगर कोई एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए. सो अब यहाँ पे हम इनवर्स से इसको ऑपरेट करा देंगे, इनवर्स से दोनों साइड ऑपरेट कराएंगे. ओके, नाउ अब क्या कर सकते हैं, नाउ व्हाट आई कैन सी इज दैट ए इनवर्स और ए है, सो इन दोनों को साथ में लाके हम ई ला सकते हैं राइट. जब कोई भी नंबर किसी से ऑपरेट होता है, जब नंबर अपने इनवर्स से ऑपरेट होता है तो हमें आइडेंटिटी मिल जाती है. तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में ले आएंगे. ओके, एंड वी ब्रॉट देम टुगेदर. नाउ जो इनवर्स है और साथ में जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे, ऑपरेट करा के क्या आंसर आ जाएगा, आइडेंटिटी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेशन सी. एंड देयरफॉर जब आइडेंटिटी से किसी भी चीज को ऑपरेट कराते हैं, सो व्हाट वी गेट, वही चीज मिल जाती है. वी डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस, आइडेंटिटी की कोई वैल्यू नहीं रहती है राइट. सो बी इज इक्वल टू सी हमने प्रूव कर दिया. देयरफॉर वी कैन से दैट लेफ्ट कैंसिलेशन होल्ड कर रही है. लेफ्ट जब एलिमेंट इक्वल थे तो हम सिर्फ बी इज इक्वल टू सी कर दिया, ए ए गेट्स कैंसल आउट बिकॉज वो सेम था. देयरफॉर लेफ्ट कैंसिलेशन होल्स इन जी. अब सिमिलरली हमने क्या करना है, यही चीज राइट साइड में करनी है. जैसे यहाँ पे ए ऑपरेशन भी किया था तो वहां पे बी ऑपरेशन ए कर देंगे. ओके, सो दिस इज राइट कैंसिलेशन. राइट कैंसिलेशन में क्या करेंगे, बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू सी ऑपरेशन ए. All right. Now, this will be B operation A. A inverse. अब इसको right side से हम करेंगे. ठीक है? Let's just put. Okay. Now, यहाँ पर भी similarly ऐसा ही होगा. ठीक है? Now, अब इसको इन दोनों को साथ में ले आते हैं. एसोशिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है, यू कैन ऑल्सो मैंशन इट कि दिस इज एसोशिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, लेट्स राइट इट डाउन, एसोशिएटिव प्रॉपर्टी. ऑल राइट, सिमिलरली पहले की तरह जब इनवर्स से ऑपरेट हो रहा है वी गेट आंसर एज आइडेंटिटी, यहाँ पर भी हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा. अब आइडेंटिटी से ऑपरेट होगा सो वी गेट द आंसर एज बी इज इक्वल टू सी, राइट. सो यहाँ पे क्या हुआ, ए राइट साइड था और वो कैंसिल आउट हो गया. सो देयरफॉर आई कैन से दैट देयरफॉर राइट कैंसिलेशन
holes in G. G is group. Okay, so this is how we prove it. It is a very simple theorem, but make sure that अच्छे से आ जाए, because future में there will be theorems which will be related to the same concept. Thank you. If you still have any doubts, make sure